मिस्टर दानिया होते कौन है आप मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठाने वाले? आप तो मेरे छत्री प्रसाद के भी लायक नहीं है। हाँ मैं हूँ रिक्शा वाली और इस बार मैं आपसे कहती हूँ आई एम डन विद यू। ये दिन देखने के लिए मैंने तुझे बड़ा नहीं किया। सावी को हुई नित्यम से नफरत। गुस्से में सावी ने लिया मानव से शादी करने का फैसला। कलर्स टीवी शो सावी की सवारी के एपिसोड में जैसा कि हमने देखा कि नित्यम सावी के कैरेक्टर पर सवाल उठाता है। नित्यम सावी को बोलता है कि वो टू टाइमर है और एक साथ दो लड़कों के साथ रह रही है। नित्यम की इन सारी बातों से सावी का दिल टूट चुका है। सावी मानव के पास जाती है, उससे बात करती है। इसी बीच सोनम नित्यम को भड़काती है कि आप और सावी तो कभी एक साथ थे ही नहीं। इसके बाद आधी रात को सावी नित्यम के पास दोबारा वापस आती है। उसके बाद सावी नित्यम से बोलती है कि आखिर आप होते कौन हो मेरे कैरेक्टर पर सवाल उठाने वाले। साथ ही सावी बोलती है कि आप तो मेरे लायक ही नहीं है, यहाँ तक कि आप मेरे छत्री प्रसाद के भी लायक नहीं है। आई एम डन विथ यू। यानी कि अब कहीं ना कहीं सावी का दिल टूट चुका है और वो नित्यम की हरकतों से नफरत करने लगी है। सावी की हालत को देख कर सावी की माँ बोलती है कि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती हूँ और बोलती है कि शादी कर लो, मैंने तुम्हारे लिए लड़का देख लिया है। मतलब गुस्से में सावी मानव के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। यानी कि धीरे धीरे नित्यम और सावी के बीच में चीजें इतनी ज्यादा खराब होने लगी है कि वो दोनों एक दूसरे से और भी ज्यादा दूर होने लगे हैं। आपको क्या कुछ कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर? आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइए और साथ ही टेलीविजन से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।